हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दो टाइप की चटनी की रेसिपी, वो भी फराली। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। फराली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले फराली वड़े के साथ सर्व करने के लिए हम एक पीनट चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मूँगफली ली थी और इसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इसके बाद मैंने इसे धो लिया है। तो ये आधा कप है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा कप दही, 1 टीस्पून जीरा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ करी पत्ता, यहाँ पे मैं ले रही हूँ तीखी वाली मिर्ची 3 नंग, और इसी के साथ जो नॉर्मल कम तीखी वाली मिर्ची आती है वो भी मैं 1 ले रही हूँ, अदरक के 2 छोटे टुकड़े, स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ मैं ले रही हूँ धनिया, तो इसकी डंडी के साथ लेना है। तो यहाँ पे मैं 10 ग्राम जितना धनिया ले रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 3 आइस क्यूब। आइस क्यूब से क्या होगा, हमारी जो चटनी है वो एकदम हरे रंग की बनेगी और एकदम क्रीमी तैयार होगी। तो चटनी हमारी रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी चटनी हमारी रेडी है, एकदम बढ़िया कलर आया है, देखते ही खाने को मन करे, ऐसी चटनी हमारी रेडी हुई है। ये जो फराली चटनी है बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे फराली, ढोकला, हांडवा, पेटीज या तो वड़े के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं फराली हरी चटनी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ धनिया, तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम धनिया लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं धनिया स्टेम के साथ ले रही हूँ। इसी के साथ मैं 5 हरी मिर्ची ले रही हूँ और इसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून काजू, आप काजू की जगह मूंगफली भी ले सकते हैं, पर काजू का टेस्ट ये चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ में 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून चीनी। ये जो चटनी है खट्टी मीठी रेडी होगी। और इसी के साथ 2 अदरक के टुकड़े। इसी के साथ मैं इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 नींबू ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं 3 आइस क्यूब ले रही हूँ। अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। फराली पेटी, हांडवा, ढोकला या तो वड़े या तो टिक्की के साथ सर्व कर सकते हैं। फराली हरे धनिया की चटनी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे सर्विंग बोल में ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चटनी हमारी रेडी हुई है। हरे धनिया से इसे गार्निश कर लेते हैं। आप ये दोनों फराली चटनी के साथ फराली, हांडवा, ढोकला, वड़ा या तो पेटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों चटनी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है, सुपर टेस्टी। ये दोनों फराली चटनी की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड कुचोर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।